Self-made, presented by Brands Academy. Knowledge partner, WBR Corporation. Styling partner, Ajay Mehra. नमस्कार, मैं हूं रोहित रॉय और सेल्फ मेड के इस अंक में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने 100 रुपए सालाना सैलरी से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आज वो इंडिया के लॉजिस्टिक बिजनेस के बेताज बादशाह माने जाते हैं। आइए स्वागत करते हैं DRS ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर DN अग्रवाल जी का। अग्रवाल साहब, बहुत 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 स्वागत है आपका। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा। जब मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो मुझे एक बात का यकीन हो गया कि अगर कोई ठान ले तो इस दुनिया में कुछ भी कर पाना नामुमकिन नहीं है। Am I right? सही, बिल्कुल करेक्ट। अग्रवाल साहब, जब आपने आप 14 साल के थे जब आप कोलकाता गए थे। 14 साल की उम्र थी, 1951 में पैदा हुआ, एक गाँव में पैदा हुआ था। अच्छा। और बाद में गाँव में कुछ पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। कलकत्ता निकल गए, उस टाइम 10 रुपए टिकट थी, जनता। अच्छा। एक्सप्रेस, जनता पैसेंजर। तो वहां पर नौकरी मिली 350 रुपये पर ईयर, पाइप 350 रुपये पर ईयर, पाइप फिटिंग की कंपनी थी वो। अच्छा। करके वो भी 12 महीने में फिर छोड़ के निकल गया। अच्छा। फिर उड़ीसा में चला गया, कपड़े की दुकान में, वहां पर भी 300 रुपये की नौकरी मिली, वो भी 6 महीने करके छोड़ के चला गया। आगे फिर ये सोचा कि नौकरी में काम नहीं चला, बिजनेस लारू मंडी हरियाणा। अच्छा। मैं एक कपड़े के दुकान किया, कपड़े दुकान करने के बाद एक चेंजिंग आई लाइफ की। 1969 में 18 साल की उम्र में शादी हो गया। आप 18 साल के थे और आपकी शादी हो गई, और तभी आपने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने ये सुना है कि उसमें काफी नुकसान हुआ था, घाटा हुआ। नहीं, नुकसान नहीं हुआ था, पार्टनरशिप का मामला था, पार्टनरशिप। अच्छा। में सेटिंग नहीं हुआ, तो सेटिंग नहीं हुआ, छोड़ के फिर हिसार चला गया। अच्छा। हिसार भी एक कपड़े का दुकान किया छोटा सा, वो भी सेट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, फिर कानपुर चला गया, कानपुर भी नौकरी किया 6 महीने पाइप की दुकान पर, वो भी सेट नहीं हुआ। आगे बढ़ता तो मेरे को एक अच्छा चांस मिला, श्री 5 महेंद्र सरकार नेपाल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की नौकरी नेपाल में मेरे को। नेपाल में वो भी मेरी लाइफ का एंड था, वहां से भी मैं नेपाल से। मतलब शुरुआत के दिनों में आपने कई नौकरियां बदली, कई शहर भी बदले। नेपाल छोड़ के वापिस फिर गांव में पिताजी के पास आ गया। अच्छा। उनको भी दरकार। तब क्या उम्र थी आपकी? 22-23 साल। 22-23 साल की उम्र थी। और उसके बाद गांव में काफी जद्दोजहद करने के बाद आप हैदराबाद पहुंचे। नहीं, पहले गांव में ही 3-4 साल काम किया पिताजी के साथ। अच्छा। बाद में फिर मैं निकल गया वहां से। निकलने के बाद फिर नौकरी देखते देखते बेंगलोर। अच्छा। पहुंच गया मैं बेंगलोर नौकरी करते करते, जब पॉकेट खाली, सिर्फ 5 रुपया बचा हुआ था। अच्छा। स्टेशन पर खड़ा होकर देखा, अभी खाए तो पॉकेट खाली, नहीं खाए तो ये खाली, तो कुछ नहीं कर सकते। बैठे बैठे एक ट्रांसपोर्ट के जाके आगे बैठ गया, वहां पर तकदीर ने साथ दिया। अच्छा। और वो ऐसी तकदीर साथ दिया, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके। हैदराबाद ट्रांसफर होने के बाद 3 साल नौकरी किया हैदराबाद में, और मैं सेट हो गया, और मेरा घर वहीं पर आज तक इच्छा आ गई। ऐसी बहुत सारी बातें हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, मुलाकात होगी, एक वीडियो दिखाएंगे और बहुत सारी बातें अग्रवाल साहब के साथ करेंगे। आप कहीं जाइएगा मत। ALD is number 2 worldwide in operating leasing solutions. We are in India operating since 2005. Worldwide, we are having a fleet of 1.3 million cars, and in India around 11,500 cars. So operating leasing is basically a long-term rental. So we go in a contract with a corporate customer. We offer financing of the car, and in addition, extra service like maintenance, breakdown assistance, insurance, all these things. If you want to have maybe more features, you can go on our website
LAAutomotive.vn, and you will find all the information. So usually in India, one of the challenge for us is that Indian people are more used with ownership of the car, while operating leasing is really a rental solution. So we remain the owner of the vehicle. We get back the vehicle at the end of the contract, and we take the risk on the resale value of the vehicle at the end of the contract. And our customer is paying only for the usage of the vehicle. The engineering then started this construction of apartments and villas. We basically focus on the planning, how the complete ventilation has to be given to the each house, each room, each and every corner should be visible. Our motto is, people has to live in without any light in the day. And we follow that every square inch is designed, we utilize it maximum, and the landscape part is done, and all the facilities are given. All the customers should be the happiest people. That is what is our motto. Nayi khabar, naya andaaz. Sirf aapke fayde ki hogi baat. Housewife ho ya working professional, kisan ho ya chhatra. जी बिजनेस पर हर कंज्यूमर की बात, एक्सपर्ट से सीधे पूछिए सवाल, आपकी खबर आपका फायदा। फिजिकल फिटनेस के लिए पतंजलि के फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल एवं पतंजलि कच्ची घने का शुद्ध सरसों तेल अपनाइए और हानिकारक केमिकली रिफाइंड ऑयल से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाए, क्योंकि केमिकल से तेल के प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाते हैं, जबकि कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट फ्री ओरिजिनल विटामिन व अन्य पोषक तत्वों से युक्त पतंजलि के फिजिकली रिफाइंड ऑयल्स नेचुरल कुकिंग ऑयल्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और रोगों से आपको बचाते हैं। No starter, no choke, no flicker. It's time to switch to Orient LED Baton. नई एलईडी बैटन मीट पुराना कैप्टन। Orient Electric, switch to smart. बच्चों, इस मुहावरे का मतलब बताओ। सर। हाँ बताओ। इस मुहावरे का अर्थ है किसी को हरा देना, जैसे कि पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट ने सारे विदेशी कंपनियों के टूथपेस्ट के दाग खट्टे कर दिए सर। इसलिए पतंजलि दंत कांति बन गया है करोड़ों देशवासियों का भरोसेमंद हर्बल टूथपेस्ट, जिसमें है लौंग, अकरकरा, नीम, टुमरू, बबूल जैसे लाभकारी जड़ी बूटियां, दांतों को दे लंबी उम्र का वरदान। GST है नया दौर, और नए दौर के लिए नया टैली, जिसमें बिलिंग से लेकर रिटर्न तक सारे काम आसानी से कर लेता हूँ। मैं भी हो गया GST रेडी, आप हुए क्या? के बाद आप सभी का स्वागत है। आपने सुना किस तरह बैंगलोर में डीएन अग्रवाल साहब ने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी की, यहां पे काफी मेहनत की, कंपनी ने खुश होकर इन्हें अच्छा पोजीशन दिया, हैदराबाद फाइनली वहां पहुंचे,
तीन साल वहां नौकरी की और जैसा इन्होंने कहा उसके बाद इन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन आइए उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। दयानंद अग्रवाल DRS ग्रुप और अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के फाउंडर CMD हैं। इनकी जिंदगी एक कहानी है जो हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने अपना करियर 50 रुपए की नौकरी से शुरू किया। ये जमीन पर सोते थे लेकिन धीरे धीरे एक छोटी गाड़ी से अपना बिजनेस शुरू किया। आज इनकी कंपनी शिफ्टिंग, लॉजिस्टिक और रोड लाइन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम है। मैनेजमेंट के हर फॉर्मूले से हटकर दयानंद अग्रवाल ने अपने दिल से, अपने सिद्धांत और एथिक्स से लोगों को मैनेज किया है। मैंने बड़े साहब से सीखा है कि जिंदगी में काम सबसे महत्वपूर्ण है। बड़े साहब की सर्विस की ज्यादा अहमियत है, पैसे की इतनी नहीं है। जो भी पैकिंग करते हैं तो बड़े साहब का बोलना है, वो अच्छे से पैकिंग करो, अच्छे से पैकिंग होगी तो लोडिंग भी अच्छे से होगी और लोडिंग अच्छे से होगी तो पार्टी का माल भी सेफ होगा। यही कारण है दयानंद अग्रवाल का हर ब्रांड कस्टमर्स के दिल में बसता है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम रखा है। इनका मानना है कि भारत के सभी बच्चों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सस्ते दामों पर मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से इनका ग्रुप एडिफाई इंस्टीट्यूशन स्कूल का एक नेटवर्क बिछा रहा है। हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, वी ट्राई टू गिव देम अ ग्लोबल आउटलुक टू एवरी यू नो थिंग व्हाट दे डू एंड डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड गिव देम अ प्लेटफॉर्म व्हिच प्रोवाइड्स देम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपोजर्स। ये बहुत ही सरल व्यक्तित्व वाले हैं। इनकी सोच बहुत सीधी है। ये लक्ष्य पर हमेशा केंद्रित रहते हैं। पूरा जग इनका परिवार है, न किसी से ईर्ष्या न ही घमंड। सच पूछा जाए तो ये सही मायने में भारतीयता के प्रतीक हैं। जो इनके मन में नीचे आ गया मेरे को ये काम करना दृढ़, तो उसको करके छोड़ते पक्का है। चाहे उनको रात दिन छोटा बड़ा कुछ भी काम हो, ऐसा नहीं उनका मेरे छोटा काम है, मैं इसको झाड़ू नहीं मारूंगा या कुछ कुट करूंगा नहीं, सब गाड़ी के नीचे ही फंसर जाते हैं। कुछ भी काम उनके लिए छोटा नहीं है। पापा बहुत सिंपल नेचर के हैं, हमें बहुत लाड़ करते हैं, कभी बेटी बहू जैसे नहीं समझा, हमेशा बेटी की तरह ही रखा है। पापा जितना हार्डवर्क घर में कोई नहीं है, सबसे ज्यादा काम करते हैं पापा। ही इज द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन आई हैव एवर मेट एंड आई विश टू बिकम लाइक हिम वन डे। अग्रवाल साहब, ये छाप वैन क्या है? छाप वैन कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को इसके बारे में। थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा सा बीच में बताऊं आपको। जी जी प्लीज। तो बहुत स्टोरी, बहुत खतरनाक स्टोरी है ये। हाँ प्लीज सुनाइए। यूट्यूब में नौकरी छोड़ करके, जब छोड़ दिया नौकरी तो गाड़ी, एक गाड़ी लेने की इच्छा हुई थी। okay. वो गाड़ी से आज 650 गाड़ी है, 650 गाड़ी है मार्केट में, गाड़ी अपनी ओन गाड़ी है कंपनी की। okay. और उस गाड़ी से ही बिजनेस आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। mm-hmm. बढ़ने के बाद फिर हम हाउस होल्ड के अंदर ये काम, दोनों बच्चे आए मेरे साथ में, जी जी। एक अग्रवाल और एस के अग्रवाल, उन्होंने मेरी हेल्प करके फिर ट्रांसपोर्ट को, लाइन को चालू रखते हुए फिर हाउस होल्ड के अंदर शिफ्टिंग चालू किया। फिर परफेक्ट बॉस प्लास्टिक के डब्बे यूज किए हमने, रबड़ की सीट यूज किया हमने, उस सीट से पैकिंग करते करते और बहुत बड़ी बड़ी अस्थियों का सामान शिफ्ट किया। अग्रवाल साहब, एक बात मैं पूछना चाह रहा था, पहले पूछना भूल गया, आपने ये अच्छी नौकरी जो मिली थी, आपको प्रमोशन भी मिले थे, हैदराबाद भी भेजा गया, आपने वो अच्छी खासी नौकरी छोड़ के बिजनेस क्यों शुरू किया? नौकरी छोड़ के साहब, नौकरी के अंदर मेरे को मालूम नहीं था क्या, सिर्फ काम करना। नौकरी सुबह 10 बजे ऑफिस खुलता, शाम को 6:30 बजे ऑफिस बंद होता, तो 12 घंटे क्या करना? वो बैठे बैठे दिमाग में मालूम नहीं है कुछ फतूर आते रहे, काम करना। सिर्फ वर्क इज लाइफ इज वर्क, एक ही नीति है, सुबह 8 बजे ऑफिस जाना और रात को 9-10 बजे घर में आना। आज भी यही नीति है, आज भी यही नीति, 10 बजे पहले मैं घर को कभी नहीं आता। दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, एक ही दोस्त है कुर्सी, बस क्या, और कोई दोस्त। क्या बात है, सुपर्ब सर। न कहीं घूमने का शौक है, न फिरने का, सिर्फ दोस्ती। एक ही जिंदगी में दिमाग में है ये काम, अग्रवाल पैकर नंबर 1 इंडिया। आज भी ये कंपनी है DRS ग्रुप, अग्रवाल पैकर
मोहर, ये एक नंबर वन इंडिया की छाप है और ऐसे सर्विस देते हैं आपका फोन आने तक और सामान शिफ्ट करने तक आपको हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जब ये बोल देंगे आप जाइए हम चले जाते हैं। अच्छा। मतलब पार्टी हैप्पी होना बिल्कुल, ये बिल्कुल। सर्विस में जरूरी है। हम आप लोग को जब आप शिफ्ट होके जाते हैं बम्बई से दिल्ली, दिल्ली आपको टैक्सी एक दिन का फ्री देते हैं, खाने के लिए हम पिज्जा देते हैं क्यों खाने का इंतजाम नहीं होता। अच्छा। रात को स्टे के लिए होटल का रूम भी दिलाते हैं। अच्छा। आपको जो भी होटल में हो और 2 लाख की पैकिंग जिसकी भी है तो उसको हम फ्लाइट का भी जाने का खर्चा देते हैं। मतलब हम कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए मेरी आदत है कस्टमर का। और एक और चैलेंज बोलता हूँ, कस्टमर का फोन मेरे पास आ जाए तो कस्टमर कभी भी कुछ पीछे नहीं हटता, मालूम नहीं क्या बात है। जी जी जी, आपके आपके लफ्ज में, आपके वर्ड्स में ऑब्वियसली वो पावर है जो आज तक आप, मतलब द कंपनी इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, राइट? इंडिया नंबर वन अग्रवाल पैकर में। चलिए जोरदार तालियां अग्रवाल पैकर्स के लिए। डीआरएस ग्रुप की कंपनी है ये, अग्रवाल पैकर है। 750 या 700 गाड़ियां हैं, उन गाड़ियां हैं। बहुत ज्यादा, 120 ऑफिस है। सब लोग बहुत प्रेरित हो रहे हैं आपकी बातें सुन के। अब मैं वापस उस सवाल पे आता हूँ जो मैंने आपको पूछा था, ये छाप वैन क्या है? छाप वैन, छाप वैन एक बैठे बैठे ऐसी वैन बनाई। हाँ, ये आपका, ये आपकी प्लानिंग थी? हमारी है, मेरे बच्चे की है। हाँ, दोनों बच्चों की सोच है, मेरी सोच है। एक दिन बैठे बैठे मेरे केबिन के अंदर ही राय साहब को बंबई से दिल्ली जाना है, तो राय साहब क्या बोल रहे, मेरे कुत्ता भी साथ जाएगा, मेरे घास भी, झाड़ भी साथ जाएंगे। अच्छा। और मेरी कार भी साथ जाएगी, मेरा घर सामान भी साथ जाएगा, एक ही गाड़ी में जाना। अच्छा, तो वो दिमाग बनाया हमने, हैंडल किया। 22 फीट की एक व्हीकल बनाई, उसके अंदर पीछे कार और ऊपर गमले और पीछे कुत्तों का रूम बनाए। तो मतलब पूरे के पूरे आपका जो भी सामान है एक ही जाएगा। आप ताला मार दीजिए, चाबी ले लीजिए, आपके आगे जाके घर में वहीं पर कार उतरेगी आपके घर के सामने। अच्छा, नहीं के चला के ले जाके। हाँ। जो किलोमीटर आपने लॉक किया है उस किलोमीटर पे गाड़ी आपकी वहां मिलेगी। जैसी आपने दी तो आपको एक अच्छा लगेगा, मेरा पूरा सामान एक ही गाड़ी में आया, कोई टूट फूट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो एक ऐसी चीज बनाई, इंडिया के अंदर कोई भी आज तक ये गाड़ी पैदा नहीं की। और एक उसमें बुक तो में डिजाइन भी आपने किया, आप डिजाइन भी तीनों फैमिली ने मिलके किया, मिलके किया। और उसका बुक में भी नाम है, कौन सी बुक में, क्या नाम बोलते वो, वर्ल्ड बुक नहीं, गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बुक में। जी जी जी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी है। और वो वैन ऐसी है आज भी खूब अच्छी चल रही है, उसके अंदर कंपनी को प्रॉफिट भी है। और लास्ट तो कोई कंपनी में होता ही नहीं है, लास्ट में कोई काम नहीं करता है, प्रॉफिट है। क्योंकि जितने भी सीनियर आदमी है वो इस गाड़ी को लेके खुश है। और अब मैंने ये सुना है कि आप एडुकेशन की तरफ जा रहे हैं, ये कैसे हुआ? 2002 में मानपड़ आदमी हूँ, मिडिल पास हूँ मैं सिर्फ, और वो भी हिंदी मीडियम से हूँ। अच्छा। इंग्लिश मेरे को आज भी नहीं आती है। आप इंग्लिश में कुछ पूछोगे तो मैं पूछूंगा साहब क्या बोले आप। अच्छा, इंग्लिश आज भी नहीं आती मेरे को, और कोशिश भी नहीं किया सीखने का। तो एक दिन बैठे बैठे मैं बच्चों को, एक ही अग्रवाल मेरा बड़ा बेटा है, बहुत समझदार है, तो स्कूल मैं बोला उनको मेरी स्कूल की इच्छा है, अगर आप स्कूल खोल सकते। मेरी इतना बड़ा इच्छा नहीं थी, बट इन्होंने एक ऐसा स्कूल खोला, आज भी वो स्कूल DRS इंटरनेशनल स्कूल, आई बी स्कूल। अच्छा। और इंडिया में 10वें नंबर स्कूल में नाम उसका गिना जाता है। कमाल है। तो ये इसके ऊपर मैं बात आपके पुत्र से करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। ISBM University now in Chhattisgarh, विभिन्न संस्थाओं से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, विलेज नवापारा, डिस्ट्रिक्ट गरियाबंद, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 9373199999। भारतीय उद्योग और व्यापार से जुड़ी संस्था फिक्की अब UN की आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्राइवेट सेक्टर संस्था अराइज नेटवर्क का सदस्य बन गई है। फिक्की का अराइज से जुड़ना भारतीय आर्थिक जगत में वरदान माना जा रहा है। If you take it in Asia, there are only 3, that is Japan, China and Philippines. And Fikki representing India will be the became a full-fledged member. Our main focus through Rise Network. I also represent the United Nations as the co-chairman of our private sector. We would like to initiate a business opportunity for private sector to reduce on drought and on flood, to create as a business opportunity.
याद है तेरी भी लास्ट टाइम तो अकेला प्लेन में गया था। पियर नहीं बैग। और हाँ, इस टाइम हम सब साथ हैं। कार, टीवी, सोफा, मैं और टॉमी। अगरवाल पैकर्स एंड मूवर्स की चैपमैन, कार, हाउस होल्ड गुड्स, आर्टिफैक्ट्स, पेट्स और प्लांट्स सब पहुंचा दे विदाउट टेंशन प्यार से। www.agarwalpackers.in कॉल 9360014001। कैंसर कारक मिनरल ऑयल से बने तेल और सिर्फ केमिकल से बने शैम्पू ने किया धमाल, क्योंकि ये अत्यंत हानिकारक है। आमला, ब्राह्मी, रीठा जैसे बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति हेयर ऑयल्स एंड शैम्पूस अब अपने बालों से कहो जुग जुग जियो। फील है, स्टाइल है, तेरा मेरा कोलंबस, तेरा मेरा सारा जमाना बोले फिट है और हिट है। रिंकल्स, पिंपल्स जैसी 100 प्रॉब्लम्स में फायदेमंद, तभी तो इसे कहते हैं 100 पर्पस जेल। एंटी एजिंग गुणों के साथ पतंजलि एलोवेरा जेल लगाओ, प्राकृतिक सुंदरता पाओ। 6% ब्याज सेविंग्स अकाउंट पर। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। कौन कहता है कि हमारे कंधे मजबूत नहीं होते? 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की आशाओं का भार उठाना कम होता है क्या? मिताली राज अपने विश्वास के दम पे 6000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला। लिया अगरबत्ती, खुशबू जो विश्वास जगाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित रॉय और आप देख रहे हैं सेल्फ मेड। हम बात कर रहे थे अग्रवाल साहब से, अब एक और अग्रवाल साहब हमें मिल रहे हैं, अंजनी कुमार अग्रवाल, इनके सुपुत्र। अंजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बातें आपके पिताजी ने कही आपके बारे में। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एडुकेशन के सेक्टर में आप गए हैं, क्या मंशा थी, क्यों? फादर की इच्छा थी कि कुछ स्कूल खोला जाए, कुछ अच्छी सर्विस की जाए सोसाइटी को, काफ़ी पैसा कमा लिया, लेट अस गिव बैक समथिंग टू कंट्री। तो उन्होंने बोला था छोटा सा स्कूल खोलो जो सबको हेल्प कर सके। हमने उसी को सोच, उसी को बेस बनाकर
ये सोचा कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट बेस्ट स्कूल, सबसे अच्छा स्कूल स्टार्ट क्यों नहीं किया जाए, करना है तो बेस्ट करे, उसी में गरीब बच्चों को क्यों ना हेल्प करे। अच्छा, अगर हेल्प ही करना है तो उसमें भी कर सकते हैं, स्कॉलरशिप थ्रू, स्कॉलरशिप थ्रू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को एजुकेशन फ्री वगैरह ऐसा कुछ। हाँ, वी हैव स्कॉलरशिप सिस्टम जहाँ हम 10% बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अच्छा, पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे रहते हैं उनको। फैंटास्टिक सर। मोर के स्टाफ को, हमारे स्टाफ के बच्चे, पूरे बच्चे फ्री 100%। वाह, फादर हरदम बोलते हैं कि पहले बाहर हेल्प करने के पहले पहले अपने घर के बच्चे घर में हेल्प। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ड्राइवर्स के बच्चे, हमारे स्टाफ के बच्चे जिसकी तनख्वाह 20,000 से नीचे है, कम स्टाफ कम सैलरी है, तो उनके उनके सारे बच्चे हम उनको बोलते हैं फ्री पढ़ो, एक रुपये, वी डोंट चार्ज 1 रुपये इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक। दैट डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तो स्कूल्स स्कूल्स का काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो हमारी फैमिली में मीटिंग हुई थी कि इसको कैसे एक्सपेंड किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हमने 85 के नाम से एक ब्रांड खोला 2009 में। 85 स्कूल, 85 स्कूल। जी जी। तो 85 स्कूल के नाम से हमने पूरे इंडिया में लाइसेंस एग्रीमेंट दिया। आज तकरीबन 58 स्कूल, 58 स्कूल इंडिया में है, जो कि जो कि जो कि हर शहर में आप देखोगे, ट्वेल्थ तक, के ट्वेल्थ तक हर हर शहर में है। 150 स्कूल अंदाजा प्री स्कूल जो बच्चों के रहते हैं, किंडर हम बोलते हैं, किंडर गार्डन, एलकेजी, यूकेजी, प्री स्कूल बोलते हैं, किड स्कूल। तो 85 किड्स के नाम से 150 स्कूल्स हैं। Wow, that's fantastic and it's very, very inspirational. इसके माध्यम से एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में स्कूल खोलने की इच्छा है और स्कूल खुलेंगे, नो डाउट, स्टार्ट भी कर दिया है कि वर्ल्ड में स्कूल जिस दिन खुल जाएंगे उस दिन हम ये सोचेंगे हम सक्सेस, बस एक सपना बाकी है और कैसे। और ये हम पूरी मेरी दुआ आपके साथ है कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो। मेरा भी आशीर्वाद मांग रहा था। हाँ, तो आपने अपना आप दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मेरा ये मानना है कि दो चीजें दुनिया भर में एक्चुअली फ्री होनी चाहिए, एक एजुकेशन और एक मेडिसिन, और अनफॉर्चुनेटली यही दो चीजें हैं जहाँ पे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये तो हो गई आपकी प्रोफेशनल फैमिली, अपनी पर्सनल फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है परिवार में? वी आर 11 इन फैमिली, फादर फादर है, मम्मी है, हम लोग, मेरे वाइफ, मेरे दो बच्चे एंड मेरे छोटा भाई, उनके उनके तीन बच्चे। तो कभी आप अपने पिताजी को नहीं कहते कि पिताजी आपने बहुत काम कर लिया, आप रिटायर हो जाएगी, आराम से घर में बैठिए? जिस दिन हमने बोल दिया उस दिन है ना आपको ही रिटायर कर देंगे। नहीं, रिटायर नहीं है, जिस दिन हमने बोल दिया उनको उनको लगता है कि भाई ये तो कुछ हमारे को धक्का मार रहे हैं। अच्छा, तो उनका उनका एक ही सेटिस्फेक्शन आता है, बस काम 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 और काम। और आज आपके साथ बात करके मैं तो खुद प्रेरित हुआ ही हूँ, आई एम श्योर कि हमारी युवा पीढ़ी भी बहुत प्रेरित हुई होगी। इससे पहले कि हम आपको जाने दें, आप हमारी जो युवा पीढ़ी आपको देख रही है उसे कोई गुरु मंत्र देके जाइए। गुरु मंत्र है कि वर्क इज लाइफ इज वर्क, बस 24 घंटे काम करो, मेहनत करो, इससे बड़ा गुरु मंत्र सच्चाई से काम करो, कभी भी भगवान भी फेल नहीं कर सकता। मेरे जैसा इंसान, गूठा टेक आदमी आज इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन बन सकता है, ये अपने आप को अपाइज मत समझो, मत समझो, कोई अपाइज नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ और जितना भी लोहे को घसाएंगे उतना लोहा व्हाइट होगा, जितना इसको रगड़ोगे उतना दिमाग तेज चलेगा। बस मैं थैंक यू सो मच अग्रवाल जी, आपने वाकई आज हम सबको बहुत प्रेरित किया है और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। और आप लोग अगले संडे फिर मिलेंगे ऐसे ही शख्सियतों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। दोस्तों, अगर आपकी कहानी इनसे मिलती है और भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन में योगदान दे सकती है तो आप हमें मेल या कॉल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है selfmade.in, हमारा फोन नंबर है 9999977639। थैंक यू।